आज का हमारा टॉपिक है OSI प्रोटोकॉल्स। OSI रेफरेंस मॉडल में हर लेयर में जितने भी 7 लेयर्स होते हैं, सभी के सभी 7 लेयर्स में अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। OSI प्रोटोकॉल्स आर फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। OSI प्रोटोकॉल जो होते हैं एक प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सचेंज करते हैं उसकी एक स्टैंडर्ड्स होती है। वो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हैं अक्रॉस द नेटवर्क। दे कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रूल्स दैट शुड रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल कनेक्शन, केबलिंग, डेटा फॉर्मेट्स, ट्रांसमिशन मॉडल्स एज वेल एज मीन्स टू एंश्योर करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसके अंदर सभी के लिए रूल्स बनाए गए हैं, वो चाहे फिजिकल कनेक्शन हो, केबलिंग हो, डेटा फॉर्मेट्स हो, ट्रांसमिशन मॉडल्स हो, ठीक है, या फिर कोई एरर कनेक्शन या फिर मिसिंग डेटा हो, सभी के लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर प्रोटोकॉल्स हम लोग उसको बोल सकते हैं, सभी के लिए बनाए गए। ठीक है, दीज प्रोटोकॉल्स वेर डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ISO ने 1977 में इंट्रोड्यूस किया था OSI प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, विच कंसिस्टेड ऑफ 7 डिफरेंट लेयर, अलग अलग 7 लेयर्स के लिए यहाँ पे OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। दिस मॉडल हैज बीन क्रिटिसाइज बिकॉज ऑफ इट्स टेक्निकलिटी एंड लिमिटेड फीचर्स एंड नेवर मेट द गोल ऑफ बिकमिंग यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग में बहुत सारे क्रिटिसाइज किया गया था इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत लिमिटेड फीचर्स थे और ये अपने गोल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वहां पे थोड़ा क्रिटिसाइज किए थे, लेकिन बाद में ओवरकम किया गया। ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल एंड फंक्शंस। जितने भी लेयर है OSI मॉडल के, सबके सब अपने ही प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे ओन करते हैं। मीन्स सभी लेयर के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होंगे और अपने अपने प्रोटोकॉल्स होंगे। द OSI प्रोटोकॉल स्टैक वॉज लेटर अडेप्टर इन द TCP/IP स्टैक। OSI प्रोटोकॉल्स जितने भी होंगे, जो भी लेयर्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल्स को TCP/IP